अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस का यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी हम पढ़ रहे थे। सो पेज नंबर 14 है द ह्यूमन बॉडी का, उस पे आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपकी नोटबुक में ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो वो हम आज करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच बोन प्रोटेक्ट योर ब्रेन, कि हमारे ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है। तो जब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन जो है ये बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, सो इसको कुछ बोन्स है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे ब्रेन को, तो उनको हम नाम देते हैं स्कल का, खोपड़ी का। तो आंसर इसका क्या है, द स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, कि जो स्कल है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, विच बोन प्रोटेक्ट योर लंग्स, हार्ट एंड लीवर। अब हमारे जो लंग्स हैं ये भी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। तो हमारा जो हार्ट है जो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लंग्स के साथ नीचे वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और उसके बाद हमारा जो लीवर है जो स्टमक के ऊपर जरा करके प्रेजेंट होता है, ये सारे बड़े सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। तो इन सब को हमारी कुछ बोन्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, उन जिनको हम पसलियों का भी नाम देते हैं, तो उन बोन्स को हम कहते हैं रिब्स। तो 33 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को और हमारे लीवर को। तो इसका क्या आंसर है, रिब्स प्रोटेक्ट आवर लंग्स, हार्ट एंड लीवर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। पहला है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है। तो हमने पढ़ा है और आपकी बुक में भी साइड बॉक्स में पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो एक चाइल्ड है उसमें ये बोन्स 300 बोन्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जो बोन्स है वो ज्यादा क्यों प्रेजेंट है, वो इस वजह से क्योंकि 300 बोन्स जो है फिर वो जब वो बड़ा होता है तो बोन्स मिलती जाती है और जब वो मिल जाती है तो फिर एज अ रिजल्ट वो हमारे पास एंड में 206 बोन्स रह जाती हैं, टूट के एक दूसरे के साथ मिलके छोटी छोटी बोन्स जब मिलती हैं। तो ह्यूमन चाइल्ड बॉडी में 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके अलावा आपके पेज नंबर 16 पर एक एक्सरसाइज है छोटी सी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, पेज नंबर 16, वो आप अपनी बुक्स का खोल लें। पेज नंबर 16 पे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हमने कुछ बताना है, टाइम बताना है कि कितना टाइम टोटल लगता है हमारे डाइजेशन में। तो लिखा है कि जब हमारे माउथ में फूड होती है, तो जब माउथ में फूड होती है तो इसको अबाउट 30 सेकंड्स लगते हैं, 30 सेकंड हमारे माउथ में रहती है जब च्यूइंग करते हैं, स्वालोइंग करते हैं। उसके बाद जब ये फूड हमारे स्टमक में चली जाती है तो स्टमक में ये 3 आवर्स के लिए रहती है। उसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये 3 आवर्स के लिए रहती है, और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पर ये 40 आवर्स के लिए रहती है। तो बताएं कि ये फूड का कितना टाइम हो गया। तो इन सबको अगर हम कलेक्ट करें, ऐड करें, तो 46 आवर्स एंड 30 सेकंड्स बनते हैं टोटल हमारी जो फूड हमारे स्टमक में, हमारी ओरल कैविटी में, हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड रहती है, तो उसको अबाउट आप कह लें कि टोटल 46 आवर्स एंड 30 सेकंड्स जो हैं वो लगते हैं। तो ये हमारे पास दो छोटी सी एक्टिविटीज थी, एक ये वाली एक्टिविटी पेज नंबर 16 की, और दूसरी हमारे पास पेज नंबर 14 पे जो आपके छोटे से क्वेश्चन दिए हुए थे वो थे। आज हमने ये किए हैं, कल हम इंशाल्लाह यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम क्या है और किस तरह से ये सिस्टम हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जो यूरिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो रही है वो किस तरह से हो रही है। सो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।